चार एवरीडे हैबिट्स जो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही है। नंबर वन, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल। रात को लेट तक जागना और फिर अगले दिन सुबह लेट उठना या दिन में कभी भी रैंडमली सो जाना, ऐसा करने से आपका ब्रेन उस दिन का सेंस नहीं बना पाता, क्योंकि काफी चांसेस है कि जिस टाइम आपने अपने पढ़ाई या एक्सरसाइज करने का टाइम रखा है उस टाइम आपको नींद आ रही होगी और आप उसे मिस कर दोगे। नंबर टू, पूरे दिन घर में पड़े रहना। पहले तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, ऊपर से जब आप दिन में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक फील करती है। अगर आपकी भी यही हालत है तो ट्रस्ट मी, बाहर जाओ और स्पोर्ट्स खेलो, आप इंस्टेंटली बेटर फील करोगे। नंबर थ्री, कंटेंट ओवर कंज्यूम करना। सुबह उठते रील्स चलाना या पूरे दिन एनिमे बिंज वॉच करना, जब भी आप इतनी हाई डोपामिन इंड्यूसिंग एक्टिविटीज करते हो तो आपका ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है और इनको करने के बाद आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। इसलिए पहले अपने दिन के टास्क कंप्लीट करो और उसके बाद आराम से अपना बचा हुआ दिन एंजॉय करो। नंबर फोर, जब ह्यूमन बींग्स ट्राइब्स में रहा करते थे तो जो बंदा ट्राइब में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था, जिसके बाद उसका अकेले सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमारा एवोल्यूशन ही कुछ इस तरह हुआ है कि अगर हम पूरे दिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते तो हम अपने बारे में बुरा फील करेंगे और आप मेंटली स्ट्रेस फील करोगे।